स्टूडेंट्स, कल लास्ट वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लॉकडाउन में समय का उपयोग करते रहिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दो वीडियो में कंप्लीट हो पाएंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, 14 प्रिपरेशंस हैं, तो मैं इनको दो वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो आज हम फर्स्ट पार्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, प्रिपरेशंस का। सो कीप स्टडिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन के दौरान आप पढ़ चुके हैं चीज़ों को, कि हम प्रॉपर्टीज़ के दौरान हमने पढ़ा है एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, और प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो जब प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं विद माइल्डर एजेंट्स तो रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड्स पर स्टॉप हो जाती है, लेकिन जब स्ट्रॉन्गर एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो हाँ ये रिएक्शन हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचती है। यानी कि हमने एसिडिफाइड K2Cr27 लिया, या क्रोमिक एसिड एनहाइड्राइड जिसे CrO3 कहते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं, इन्हें एसिडिक मीडियम लिया, या हमने क्रोमिक एसिड लिया, ये चीज़ें एक ही रिजल्ट दे रही हैं अपने आप। और या फिर हमने K1O4 लेते हैं आइदर इन एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम, तो प्राइमरी एल्कोहल हमारा एल्डिहाइड पर स्टॉप नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। माना जाता है कि इट टेक्स प्लेस वाया द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी इनिशियल एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड इन एजेंट्स के थ्रू फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू एसिड्स। तो जरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने H2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ का ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बेंजाइल एल्कोहल से बेंजाइल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड्स आर वेरी प्रोन फॉर द ऑक्सीडेशन और वेरी प्रोन टू द ऑक्सीडेशन। वी कैन से कीटोन्स का ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है, बट एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा इजीली होता है। तो दे कैन बी ऑक्सीडाइज इवन विद माइल्ड एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एटसेट्रा। इसलिए ये इन तीनों का टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स इनसे ऑक्सीडाइज नहीं होते। फिर आप देखिए, जैसे कि एल्डिहाइड है RCHO नेशनल ऑक्सीजन लेगा इन रिएक्शन के थ्रू आई विल चेंज इन टू RCOOH। SCHO है, ये भी SCOOH में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहां पर अभी हमारे पास में एक एल्डिहाइड ग्रुप और है, इसलिए ये एक ऑक्सीजन और लेगा और यहाँ पर दो OH लग जाएंगे। और आपको पता है कि कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए इमीजिएटली पानी निकलेगा, बन जाएगा अल्टीमेटली CO2 एंड H2O। तो कह सकते हैं कि फॉर्मली हाइड का ऑक्सीजन कराते हैं तो हमें CO2 और H2O मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अनसैचुरेटेड प्राइमरी एल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि हम एल्कोहल से रिलेट लेकर चले, यहाँ दोनों चीजें हमारी एक साथ चलती हैं। अनसैचुरेटेड प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं तो दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एसिड्स विदाउट अफेक्टिंग C(C) एंड C(C), यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड CrO3 और H2S के जब एस्ट्रोन की प्रेजेंस में हम लेते हैं तो ये ग्रुप्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और केवल एल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल लें प्राइमरी एल्कोहल की जगह पर तो हमारी रिएक्शन कीटोन्स पर रुक जाती है CrO3 और H2S के द्वारा, ये फर्दर एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि कीटोन्स आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। चलिए अब हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कीटोन्स को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट्स। हाँ, हम सेकेंडरी एल्कोहल भी ले सकते हैं क्योंकि इनिशियल ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन्स। लेकिन यहाँ हाँ एजेंट्स की बात करते हैं, जस्ट लाइक एसिडिफाइड और एल्काइन K1O4 और एसिडिफाइड K2Cr27 वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट्स कीटोन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, ये C का H और OH का H, ये दोनों इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे एंड वी विल गेट कीटोन। बट कीटोन में उतने ही कार्बन जितने कि हमारे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के अंदर है। अब जरा देखिए, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर एक विशेषता यह कि ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज होता है, बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है और यहाँ से भी टूट सकता है और दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यह CH3COOH लिखा हुआ है, लेकिन साथ में यदि बॉन्ड हमारे यहाँ से टूटता है तो दो कार्बन का एसिड ये बनेगा और एक कार्बन का एसिड ये बनेगा, तो यहाँ पे हमें फॉर्मिक एसिड और लिखना होगा। और यदि बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो भी हमारा एक कार्बन का एसिड इससे बनेगा, दो कार्बन का एसिड इस पार्ट से बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ बनता है एसिड्स विद क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड्स। अब इसमें लिखा हुआ ये चीज देखिए, इन दिस ऑक्सीडेशन क्लीवेज विद ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द साइट ऑफ डबल बॉन्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद फ्यूअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
इसी वजह से यहाँ पर ईल्ड भी पुअर आती है, क्योंकि दोनों तरह के क्लीवेज होगा तो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इन केस ऑफ मिक्स्ड कीटोन्स द कार्बोनाइल कार्बन गोज प्रिफरेबली विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, यानी कि वहां तो दोनों तरफ सी एस थ्री थे पिछले एग्जाम्पल में, यदि एक तरफ सी एस थ्री है एक तरफ सी टू एच फाइव है तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि छोटे ग्रुप से छोटे एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, यह मिथाइल इथाइल कीटोन है, आईयूपीएसी नाम में आप इसको कहते हैं ब्यूटेन टू ओन, लेकिन ये मिथाइल इथाइल कीटोन कहलाएगा कॉमन नेम में। अब इसमें दो तरह से क्लीवेज पॉसिबल है, ए साइड से और बी साइड से। यदि ए साइड से क्लीवेज होता है तो एक कार्बन का एसिड ये बनाएगा और तीन कार्बन का एसिड ये पार्ट बनाएगा। तो जरा देखिए ये एग्जाम्पल था फॉर्मिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। ये पॉपअप रूल के हिसाब से ये माइनर प्रोडक्ट्स हैं और क्वांटिटी में कम बनते हैं। और यदि क्लीवेज बी होता है हमारा तो यहाँ पर एक दो कार्बन टुकड़ा बनेगा और दूसरा भी दो कार्बन का एसिड बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये दो मोल, यानी एक मोल हमने ये लिया ब्यूटेन टू ओन, जैसे मिलेंगे हमें दो मोल, यदि फिशन केवल इस तरह से होता तो दो मोल मिलेंगे हमें इसके एस्टिक एसिड के। हालांकि आपको मालूम है कि ये भी साथ में मिलेंगे, टोटल तीन टाइप के एसिड्स मिलेंगे जिसमें मेजोरिटी में हमारे पास में होगा एस्टिक एसिड और थोड़ा कम क्वांटिटी में होंगे फॉर्मिक एंड प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इमीडिएट में आपको इसका आंसर दूंगा। तो हाउ मेनी एसिड्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम सी एस थ्री सी ओ सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री, या इससे जो हमारा रिडक्शन के बाद में एल्कोहल बनेगा वो हमारा ये सेकेंडरी एल्कोहल सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एस टू सी एस थ्री। यहाँ पर हम ये कहेंगे इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो पहले ये कीटोन बनेगा, उसके फर्दर ऑक्सीडेशन में हमारे एसिड्स बनेंगे। तो फाइंड आउट कीजिएगा कितने तक एसिड्स बनते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, पॉज कर लीजिएगा वीडियो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड था सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू और सी एस थ्री, यदि क्लीवेज हमारे यहाँ से होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे एक कार्बन का एस सी डबल ओ एच और चार कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू और सी डबल ओ एच। और यदि क्लीवेज यहाँ से होता है तो हमें मिलेगा दो कार्बन का एसिड ये मिलेगा, तीन कार्बन का एसिड ये मिलेगा, यानी कि एक तो बनेगा एस्टिक एसिड और प्लस दूसरा बनेगा प्रोपेनोइक एसिड सी एस थ्री सी एस टू और सी डब्ल्यू एच। तो टोटल एक कार्बन का एक का चार का दो का तीन का, टोटल चार तरह के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स के साथ में हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली इस रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं हेलोफॉर्म, जैसे कि आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एजेंट्स लेते हैं, आपको ध्यान रखो क्लोरोफॉर्म के लिए हमने सी ए ओ सी एल टू लिया था ब्लीचिंग पाउडर, अदरवाइज आयोडोफॉर्म लेते हैं तो हम लोग आई टू और एन ओ एच लेते हैं। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एक्स टू प्लस एन ओ एच लिया, वहाँ पर हमारा जो सी ए ओ सी एल टू वो सी एल टू प्लस सी ए ओ एच की तरह बिहेव करेगा, सी ओ एच होल्ड टू एच की तरह। तो एक्स टू प्लस एन ओ एच है या एन ओ एक्स एक ही बात है। जरा देखते हैं क्या होता है कि आर सी ओ सी एस थ्री मिथाइल कीटोन है, यहाँ पर एक्स टू प्लस एन ओ एच के साथ में हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा और आर सी डबल ओ एन ए बनेगा, जिसको हमने सेकंड स्टेप में एस्टिफाई किया तो आर सी डब्ल्यू एच मिल गया हमें। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर सी ओ सी एस थ्री प्लस थ्री आई टू प्लस फोर एन ओ एच चेंजिंग इन टू आर सी डब्ल्यू एन ए प्लस सी एच आई थ्री प्लस थ्री आई एन ए आई प्लस थ्री एस टू, इसको एस्टिफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर सी डब्ल्यू एच। अब हमारे पास एक और तरीका है इसको लिखने का है, हमने एन ए ओ आई के लिए यानी सोडियम हाइपो आयोडाइट, और मैं आपको आयोडाइट के फॉर्म में बता चुका हूँ कि हाइपो आयोडाइट क्या चीज होता है। बेसिकली एच ओ आई ये होता है हाइपो आयोडिक एसिड, सॉरी हाइपो आयोडस एसिड, और अस एसिड के सॉल्ट जो होते हैं वो आइट कहलाते हैं। तो जब हम इसे एन ए ओ आई बनाएंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट। तो इस तरीके से इसका जो नाम निकल गया एन ओ आई का, ये हाइपो आयोडस एसिड का सॉल्ट है, इसलिए इसका नाम होगा सोडियम हाइपो आयोडाइट, क्योंकि अस एसिड के सॉल्ट आइट सॉल्ट्स कहलाते हैं। और आपको बताऊंगा एक एसिड के सॉल्ट जो बनते हैं वो कहलाते हैं एट सॉल्ट्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास के अंदर। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स की, तो यहाँ पर सोडियम हाइपोडाइट आयोडाइट से रिएक्शन कराई, ये वो ये है जैसे आई टू प्लस एन ओ एच का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमारा
सोडियम सॉल्ट बनेगा CH3CH2CH2CWNA और आयोड फॉर्म बनेगा प्लस NaOH। वैसे हम इसको आयोड फॉर्म टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हमारा हम इसका प्रिपरेशन इस्तेमाल करें, यदि इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1, 2, 3, 4 कार्बन का यानी ब्यूटेनॉइक एसिड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स और एल्काइंस की बात करते हैं तो ये हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ चुके हैं कि विद एसिडिफाइड K1O4 और हॉट एल्काइन K1O4 और एसिडिक K2Cl2O7 के साथ में जो एल्किन्स और एल्काइंस का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड्स मिलते हैं। जहाँ देखिए RCH ये नेसेंट ऑक्सीजन लिए इन्होंने एजेंट से RCH में कन्वर्ट हो गया। यदि यहाँ पर एजेंट्स हमारे माइल्ड होंगे तो ये भी RCHO में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी एल्डिहाइड्स मिलेंगे यहाँ पर हमें। ये यहाँ से इसका डबल बॉन्ड पे क्लीवेज होता है, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ क्लीवेज होगा तो ये हमारा साइक्लोब्यूटीन से हमें मिल जाएगा ब्यूटीन डाइऑइक एसिड। अब देखिए एल्काइन की बात करते हैं, एल्काइन का ऑक्सीडेशन होता है कि एसिड फैट के साथ में तो यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होता है और RCWH इससे बनेगा, RCWH इससे बनेगा, तो एसिड हमें मिल गया। तो बेसिकली इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए भी कर लेते हैं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की ओजोन लिसिस में पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस। यहाँ पर भी एल्किन्स एल्काइंस का है तो मैं पूरी बात लिख सकता हूँ ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस। तो रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद H2O2, ध्यान रखें विदाउट यूजिंग जिंक। जब जिंक की एब्सेंस में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और यदि जिंक की प्रेजेंस में कराएंगे तो दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दोनों में प्रोडक्ट्स डिफरेंट मिलते हैं। जैसे कि हमारा एल्कीन है, दोनों आर मैंने डिफरेंट दिखाए हैं, यहाँ पर O3 का पहले एडिशन होगा तो ये बनता है हमारा ओजोनाइट। एक ओजोन का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है एक्रॉस द डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड टूट जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। फिर ओजोनाइट की जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने में इसके बॉन्ड के क्लीवेज इस तरह से होते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा इस तरीके से। तो ये बनता है इनिशियली RCHO वाला पार्ट, इधर ये भी RCHO बनेगा। यदि जिंक होता तो रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड्स पर रुक जाती, लेकिन जिंक, क्योंकि जिंक इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ले लेता है, ज़ेडन बनाता है, यदि जिंक नहीं है तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से फर्दर ऑक्सीडेशन करा देगी एंड विल क्रिएट RCOOH एंड RCOOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऐसे यहाँ पर देखिएगा ये ऐसे ओजोन बना, ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ओजोनाइट बना, ओजोनाइट का जब क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा और बन गया हमारा RCHO और ये SCHO। लेकिन RCHO और SCHO फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि जिंक नहीं यहाँ पर, तो RCWH में कन्वर्ट हुआ और SCWH में। अब SCWH में हमारे पास अभी भी एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इट विल गिव SC11O और HOC11O और OH, अब दो OH कार्बन स्टेबल होती है आपको पता है, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और बची रह जाएगी CO2। यानी कि यदि टर्मिनल डबल बॉन्ड है तो CH2 ग्रुप विल चेंज इनटू CO2 एंड H2O और नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड है तो हमें मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जरा एल्काइंस की बात करते हैं, एल्काइंस भी ओजोनाइट देते हैं लेकिन एल्किन्स के ओजोनाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बचता है। जब इस ओजोनाइट के फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके बॉन्ड का क्लीवेज भी इस तरह से होगा और यहाँ पर इनिशियली यदि हमने यहाँ पर जिंक ले लिया, इनिशियली मेरा मतलब है हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं कराते हैं, यदि जिंक लेते हैं तो यहाँ बनते हैं डाइकीटोन्स, मुझे नीचे लिखा हुआ मैंने, और यदि हम H2O2 लेते हैं खाली जिंक नहीं लेते हैं तो यहाँ पर ये बॉन्ड पूरे टूट जाते हैं और बनते हैं RCWH RCOOH। ऐसे यहाँ देख लीजिएगा इस वाले केस में ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर वाला पार्ट RCWH में कन्वर्ट होगा, इधर वाला पार्ट SCWH में कन्वर्ट होगा और आपको पता है SCWH का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा CO2+H2O में। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइट्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक गिव्स एल्डिहाइड्स इन केस ऑफ एल्किन्स एंड डाइकीटोन्स इन केस ऑफ एल्काइंस। और अपने रिवीजन के लिए आप हाइड्रोकार्बन्स के नोट्स निकाल लीजिए, वहां से इस चीज को रिवाइज कर लीजिए, इट इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस।